सालों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट और इंजीनियर कुछ नया आविष्कार करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा बनाते हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, जैसे एयरबैग। पर कुछ मस्तीखोर ऐसे भी हैं जो उनके सालों के आविष्कार से करते हैं दूसरों पर अत्याचार और खुद लेते हैं लुत्फ उनके नरम दिल के तेज धड़कने का। आइए देखते हैं। क्रिसमस के माहौल में हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुशियां और सरप्राइजेस बने रहे। क्यों भाई, कैसा लगा ये सरप्राइज? वैसे सरप्राइजेस बर्थडे पार्टी में भी होते हैं। और ये कमबख्त दोस्त ने तो शादी को भी। वाह, दुल्हन काफी संस्कारी लगती है। हिल स्टेशन का माहौल ना देखने लायक होता है। सब लोग मोटे मोटे कपड़े पहन के, टोपियां पहन के, गरम गरम ग्लव्स पहन के निकलते खेलने। अच्छा, ये खेल एक दूसरे पर बर्फ मारने तक रहे तब तक कंट्रोल में रहता है, पर जब स्लेजेस बर्फे मैदान में आ जाती हैं, तो अक्सर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। यार मुझे बर्फ बड़ी पसंद है। ओ यार, ये बड़ी दूर से बड़ी तेज चिल्लाता हुआ आ रहा है, पता नहीं किसकी बैंड बजाएगा। हैं? ओ तेरी, ओए होए होए, यार गलत हुआ बच्चे के साथ। माफी चाहता हूँ यार, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे आपको दिखाने के लिए ऐसे दर्दनाक एग्जाम्पल्स ही मिलते हैं। दरअसल ज्यादातर स्लेजेस में आपको रोकने की दिक्कत आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। वेल, इसकी वजह जाननी है तो सुननी पड़ेगी इसके पीछे की साइंस। कभी कभी स्लेज का फिसलना इतनी रफ्तार पकड़ लेता है कि वो करीबन 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पे पहुंच जाता है। और हाँ, आपने न्यूटन बाबा का लॉ तो सुना ही होगा। वो कहते हैं, बेटा मेरा पहला लॉ ऑफ मोशन है, कोई भी चीज तब तक चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोक ना दे। बुरे वक्त में इंसान ही नहीं, कुत्ता भी साथ छोड़ देता है। कुत्ते की तुम? अरे वाह, आज तो फुल स्पीड में निकल रहा है, लगता है रिकॉर्ड तोड़ेगा। ओहो, तोड़ ही दिया। मैं रिकॉर्ड का तो पता नहीं, हड्डी पक्की बात तोड़ दी। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी बोन? यस सर, यस सर, आखिर मैं हूँ कौन? That was a bad idea. पार्कौर एक जोश भरा क्रेजी स्पोर्ट है जो फ्रांस में शुरू हुआ था, जिसमें बंदर कहिए, बिल्ली कहिए, यहां तो क्रिश भी कह सकते हैं, उनके तरह माइंड ब्लोइंग फुर्ती से बिल्डिंगों से कूदा जाता है, गलियों में भागा जाता है। हाँ नहीं सजी, देखिए रली। शहर की गलियों और घरों से होते हुए भागने में कई तरह की मूव्स करनी पड़ती हैं, जो अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद ही आती हैं। अरे बाप रे, इसके माथे में ना एक मटर जरूर उगेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक मूव्स से। एक सबसे बेसिक ट्रिक है जिसे कहते हैं गेनर। ये आगे की तरफ बढ़ते हुए बैकवर्ड समरसॉल्ट है। अगर ठीक से की जाए तो लड़की पक्का इंप्रेस हो जाती है, और अगर फिसड्डी तरीके से की जाए तो नाक और मुंह पक्का टूट जाता। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे यार भैया, सिंपल फंडा है, इसके पीछे भी साइंस है, जरा ढंग से समझ ले, मैं सिखाता हूँ ना यार। करना क्या होता है, बस आपको अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड को रोटेशन में बदलना है। देखिए हमारा एक्सपर्ट कैसे सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाकर किक करता है, फिर अपने पैरों को अंदर मोड़कर घूमता है। लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसकी घूमने की रफ्तार बताएगा, और वो क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लंबाई हो जाए आधी तो स्पिन स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ गए सर? अरे यार हंसो मत, एक दो बार तो गिरेगा ही ना, और गिर के उठने वाले को गिरा हुआ नहीं कहते। कोई नहीं मेरे लल्ला, जो एक और बार। वेरी गुड, यस, तू बेटा गिरा हुआ ही है। ये तो कुछ नहीं है, पार्कोर के कीड़े के काटने के बाद एक तरह की जंप और होती है, जिसमें बंदा किसी चीज के ऊपर से कूदते हुए इस नॉर्मल गेनर मूव को करता है। इसे कहते हैं कॉन्ग गेनर। पार्कोर में ये सबसे मुश्किल मूव्स में से एक है, देखिए खुद ही समझ जाएंगे आप। इसमें तेज रफ्तार के साथ दीवार की तरफ बढ़ते हैं, और पैरों से दम लगाकर उछलने की बजाय हाथों की मदद से खुद को उछाला जाता है और फुल रोटेशन करते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। पर इसमें भी गेनर मूव की तरह ही थोड़े बहुत साइंस के रूल्स और अपना कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना ही होगा ना दोस्तों। देखिए ये तो घूमना ही भूल गया और कूड़ेदान में खुद कूद गया। वाह,
जनाबे आली ने कहा गड़बड़ की, अपनी लंबाई बढ़ा दी तो स्पिन चार गुना धीमी हो जाएगी, है ना हुजूर? गर्दन पे बल पड़ गया ना। वैसे इस भाई ने दो दो कैमरे सेट करवाए थे, पर क्या हुआ, खोपड़ी फूट गई और क्या भाई। कैमरा सेट करवा दिया पर ऊंचा कूदना तो भूल गया ना, है? अरे यार ये कौन कौन कॉन्ग गेनर करने आ गए। ये लड़का अपने माथे पर बंगाली बिंदी बनाना चाहता है। हाँ देखिए इसकी बिंदी सही जगह लगी कि नहीं लगी, दिखा मेरे लल्ला। वेरी गुड, थोड़ी टेढ़ी नहीं होगी भाई। हरिया बैठे पेड़ पे आरी तेज चलाए, उतरने का जी नहीं उसका, अपनी ही टहनी काटे जाए। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, पर ऐसे हरिया हर देश में मिलते हैं, बस कहीं कहीं वो घरों को तोड़ते हैं। तू छत को तोड़ेगा और छत तुझे तोड़ेगी, ले बेटा। ओहो, इसके हाथों में और हथौड़े में बहुत जान। ये देखिए ये घर तो खुद तो गिरा ही, बाकियों को भी ले डूबा। है धुआं है धुआं, मिट्टी का है। ये लोग भी ना वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं। अबे उसी फोन से मदद के लिए फोन कर दो पुलिस को। हर साल कंस्ट्रक्शन में होने वाली मौतों की तादाद अच्छी खासी, और न जाने कितने लोग इसमें घायल भी होते हैं। अगर आप इसके शिकार नहीं बनना चाहते तो ये जरूर देखिए। बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो बिना गिरे कितना भी भार उठा लेती है, पर अगर आप उसे तोड़ रहे हैं या दीवार निकाल रहे हैं तो ये प्रोसेस दिक्कतों भरा हो सकता है। गलत तरीके से कुछ हटाया गया तो कहीं पूरा घर ही नीचे ना आ जाए, इसीलिए हमेशा शुरुआत करनी चाहिए ऊपर से, और अनहोनी से बचने के लिए धीरे धीरे तोड़ते हुए बढ़े। तो शुरुआत कीजिए छत से, बाकी काम फुर्सत से। अरे हाँ चिंता की बात नहीं, हमने बहुत घर गिराए हैं। हाँ मैं तो बचपन से घर गिराता आ रहा हूँ। ये दोनों ना मुझे एक नंबर के झूठे लग रहे हैं। ये लो घुस गए। आज सुबह ना मैंने एक सपना देखा, ठंडी हवा, ठंडा पानी, ठंडी रेत, और सामने से लहरों के बीच में से निकलती हुई एक जल परी। ओए होए होए क्या बात है यार, मेरी ओर बढ़ रही थी, निगाहों से निगाहें मिली, मैं उसकी तरफ वो मेरी तरफ, और जैसे ही हम लोग गले लगने लगे छपाक, और मेरी आंख खुल गई, गुड मॉर्निंग हो गई यार, बिल्कुल यार इस वीडियो की तरह यार। वैसे जब मुसीबत आती है तो इंसान क्या, आपके कपड़े भी आपका साथ छोड़ देते हैं। अब फिर आपने कितने भी पहने हो उससे हमारा क्या लेना देना। जरा गौर से देखें कि आखिर लहरों ने क्या कमाल किया। आओ ललिता। दोस्तों खैर अगर आपकी लहरों से दुश्मनी टाइप्स है ना, तो मैं साइंस की मदद से आपकी लहरों से दोस्ती करवा सकता हूँ। रियली इट्स वेरी सिंपल। समंदर की लहरें उठने की वजह पानी का किनारे की तरफ आना नहीं है, दरअसल लहरें बनती हैं हवा के चलने से। कुछ कुछ हम ऐसा तब देख सकते हैं जब जहाज चलता है, और स्टेडियम में बैठे दर्शक भी लहर उठा देते हैं। बस यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि हाथों का मूवमेंट लहरों का इफेक्ट पैदा करता है। क्या बात है, लगता है किसी ने अभी भी गोल मारा है। और अगर आपको सामने आती हुई लहरों से बचना होगा तो आपको बस लहरों के साथ अपना सरफेस एरिया कम करना होगा। और जब समंदर अपने फुल ऑन जलवे दिखाए तो आप ये कर सकते हैं। जी हाँ, लहरों के साथ अपना सरफेस एरिया कम करने की वजह से ये बोट इतनी खतरनाक लहरों में भी जमी हुई है। वैसे हम में से तो एक आध लोगों का ही सामना समंदर के ऐसे भयंकर तूफान से होता होगा, पर कभी कभी ना लहरें तूफानों वाली पप्पी लेने किनारे पे आ जाती हैं। पर ऐसे पथरीले किनारों पर आते आते लहरें टूट जाती हैं, पर लगता है आज इस लालू की किस्मत खराब है। ये देखिए बेटे घर से नहा के आते। बड़ी लहरें छोटी लहरों के ऊपर चढ़कर ऐसा रूप ले लेती है, और हाँ बता दूं, एक 1 क्यूबिक यार्ड पानी का वजन करीब 1 टन से ज्यादा होता है, तो सोचिए इनके थपेड़े कितने जबरदस्त होते होंगे यार।
तेरे बच्चों को लगता है कि समंदर की लहरों से ना रेस लगाएंगे और जीत भी जाएंगे। अरे पर मुन्नो, लहरें बिना भागे भी सबसे पहले जीत जाती हैं और फर्स्ट आती हैं। अरे अच्छे अच्छे को निकल गई मैं। अब तक सबसे खतरनाक, मेरा मतलब सबसे बड़ी लहर उठी थी टाइफून क्रोसा के दौरान, जो करीबन 32 मीटर ऊंची थी। मान लीजिए किसी 10 मंजिला ऊंची इमारत जितनी। जाहिर सी बात है, बड़ी लहर के साथ एनर्जी भी ज्यादा आएगी। अगर ऊंचाई दुगनी होगी तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लहरों की साइंस की इज्जत कीजिए। इससे उलझने की कोशिश ना करें। खास करके किनारे पर जहां लहरें टूट रही हैं। और अब आएगा गंजा सिंह नेगी। आए क्या बात है, जेम्स बॉन्ड की आत्मा अंदर घुस गई है, साथ में पिंकी और उसके साथ इको फ्रेंडली गर्ल। इनको लग रहा है इन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। अब लगा झटका ये, और लगा दूसरा झटका ये, और तीसरा पड़ा सीधा फटका। बड़ा आया कप्तान, फिटे मुंह तेरे। और यार इतने पानी में मरने की क्या जरूरत है, तू तो चुल्लू पर पानी में डूब मर जाके। इतना महंगा चश्मा भी तोड़ दिया सबका यार।